हमारा जो कक्षा 9वीं में प्राकृतिक संपदा वाला पाठ चल रहा था, तो उसमें हम प्राकृतिक संबंधों में हमने वायु के बारे में पढ़ा। आज हम पढ़ेंगे जल के बारे में। जल मतलब जल से ही क्या होती है, वर्षा होती है। तो ये वर्षा कैसे होती है, पहले भी हमने बता दिया है कि जब जलीय भाग नीचे के और पृथ्वी में जो जल है वो जब गर्म होके किसमें बदल जाता है, जल वाष्प में, और ये जल वाष्प ऊपर वायु में चली जाती है। तो और कुछ जल हमारी जैविक क्रियाओं में भी काम आता है, और जैविक क्रियाओं में जैसे हमारे शरीर में भोजन का पाचन होता है, और फिर ये इससे भी जो जल की भाप निकलती है वो वायुमंडल में मिल जाती है और वायु भी गर्म हो जाती है। तो ये जब गर्म वायु तो इस प्रकार हम देखते हैं कि गर्म जो पानी की भाप है और वायु, ये दोनों मिलकर एक कोहरा जैसा स्थिति उत्पन्न करते हैं। जब ये ऊपर चले जाते हैं और ऊपर ये ठंडे हो जाते हैं, देखते हो ना, ये ऊपर की ओर जाते हैं और ठंडे हो जाते हैं, और जल वाष्प के कण भी उसमें छोटी छोटी जल के रूप में भी हवा में क्या हो जाती हैं, संघनित हो जाती हैं। और ये जल का जो संघनन है ये मतलब ऊपर होता ही रहता है, और ये अपने चारों ओर बूंदों को जमा कर लेते हैं, और जो धूल के कण हैं और निलंबित कण वो भी आपस में क्या हो जाते हैं, मिल जाते हैं यदि धूल के कण हैं। तो एक हम देखते हैं कि जल की बूंद धीरे धीरे जब छोटी रहती है और ऊपर क्या हो जाती है, बड़ी हो जाती है, और बड़े हो जाने के बाद ये बूंदें भारी हो जाती हैं और ठंडी हो जाती हैं, तो ये वर्षा के रूप में नीचे गिर जाती हैं। कभी कभी आपने देखा होगा ओले भी गिर रहे हैं, तो जब वहां पर ये वर्षा की बूंदें, इतना ठंडा वातावरण हो जाता है, ये जम जाते हैं और ये हिमवृष्टि या ओले के रूप में जमीन में गिरने लगते हैं। तो जो वर्षा का क्षेत्र है भारतवर्ष में भिन्न भिन्न है, कहीं पर ज्यादा वर्षा होती है दक्षिण पश्चिम या उत्तरी पूर्वी मानसून के कारण वर्षा होती है, विशेष समय में होती है। बंगाल की खाड़ी में वायु का दबाव कम होने के कारण कई क्षेत्रों में वर्षा ज्यादा हो जाती है। तो ये विभिन्न समय, जो मानसून समय आता है वही वर्षा होती है उसी समय। तो इस प्रकार हम देखते हैं कि वर्षा कैसे होती है। अब हम पढ़ेंगे वायु प्रदूषण। वायु प्रदूषण का मतलब है जब वायु में वायु में जब अवांछनीय तत्व मतलब व्यर्थ पदार्थ जिनकी आवश्यकता नहीं है वो मिल जाते हैं, तो उसे हम क्या बोलते हैं, वायु प्रदूषण। अब क्या मिलता है वायु में, आप देखते हो पेट्रोल जलता है तो नाइट्रोजन सल्फर ये सब ये जलते हैं, पेट्रोल जलता है, इतने वाहन चलते हैं सब में, कोयला कोयला भी जलता है और पेट्रोलियम पदार्थ। तो ये नाइट्रोजन सल्फर, और ये नाइट्रोजन सल्फर जब जलते हैं तो ये वायु से क्या कर लेते हैं, क्रिया कर लेते हैं। ये देखो वायु मतलब ऑक्सीजन से, और ये नाइट्रोजन के ऑक्साइड और सल्फर के ऑक्साइड, वाह, कभी कभी सल्फर ट्राई ऑक्साइड भी बनाते हैं, डाइऑक्साइड और ट्राई ऑक्साइड बनाते हैं। तो ये गैसें भी वायु के साथ क्या हो जाती हैं, मिल जाती हैं, और ये वायु को क्या करती हैं, प्रदूषित करती हैं। अब देखेंगे जो नाइट्रोजन ऑक्साइड और सल्फर डाइऑक्साइड हैं, जैसे NO2, जब बारिश होती है बिजली कड़कती है तो ये पानी, पानी का सूत्र अब आपको मालूम हो गया H2O है, तो इस प्रकार ये HNO3 एक प्रकार का अम्ल है, नाइट्रिक अम्ल। ऐसे ही सल्फ्यूरिक अम्ल, तो ये अम्ल भी
बारिश के साथ जमीन पर गिरते हैं, तो इस प्रकार इनको हम बोलते हैं अम्लीय वर्षा। क्या बोलते हैं? अम्लीय वर्षा। और ये ऑक्साइड, जब मान लो ये ऑक्साइड है हम सांस में ले रहे हैं, तो ये हमारे शरीर को नुकसान पहुंचाते हैं, और जब ये जल में मिलते हैं तो इनको हम बोलेंगे अम्लीय वर्षा। जीवाश्म ईंधन मतलब कोयला, पेट्रोलियम, ये सब क्या है? जीवाश्म ईंधन, दहन माने जलना, ये जलते हैं और वायु में निलंबित कण, हानिकारक कण, बिना जले या कार्बन के कण, ये सब वायुमंडल में चले जाते हैं और ये सब प्रदूषक हैं। और जब इनकी मात्रा वायुमंडल में ज्यादा हो जाती है तो वायु प्रदूषण उत्पन्न हो जाता है, और कभी कभी जल भी वायु के साथ संघनित हो जाता है, तो इसे धूम कोहरा कहते हैं। ये आ सकता है, धूम कोहरा किसे कहते हैं? तो इस प्रकार हम देखते हैं कि जो प्रदूषित वायु है, यदि हम सांस लेते हैं तो हमें बीमारियां हो जाती हैं, कैंसर, हृदय रोग, एलर्जी, त्वचा में भी एलर्जी उत्पन्न हो सकती है। तो वायु में स्थित इन हानिकारक पदार्थों को धीरे धीरे जो बढ़ते चले जाते हैं, इन्हीं को हम क्या बोलेंगे? वायु प्रदूषण कहते हैं। अब हमने जल के बारे में पहले पढ़ा था, वर्षा के बारे में पढ़ा था, वायु प्रदूषण के बारे में पढ़ा, अब हम पढ़ेंगे जल। जल एक अद्भुत द्रव है, और जल और जलीय जीवों के लिए भी बहुत जरूरी है और स्थलीय जीवों के लिए भी जरूरी है। और भूमि हमारी पृथ्वी पर ज़्यादा मात्रा 75% जल है। जल की कुछ मात्रा वायु में हवा भाप के रूप में रहती है, कुछ समुद्र और महासागर में पानी के रूप में रहती है। जो जल वो खारा होता है, और एक शुद्ध बर्फ भी होती है, बड़े बड़े हिमखंड होते हैं जो समुद्रों में तैरते रहते हैं, और दोनों ध्रुवों पर बर्फ ढके हुए हैं, उत्तरी अंटार्कटिका आपने देखा होगा, और नदियों, झीलों, ये सब आप जानते हो, इन शब्दों से परिचित हो। शुद्ध जल होता है, लेकिन कहीं कहीं पर जल की क्या रहती है, पीने वाले जल की क्या होती है, कमी होती जाती है। तो क्या होता है, ग्रामीण इलाकों में जहाँ जल आपूर्ति की व्यवस्था नहीं है, उनको अधिकतर क्या होता है, लोगों का समय दूर से जल लाने में, मतलब बहुत दूरी से पीने वाला जल लाना पड़ता है। और जल जलीय सभी जीवों के लिए बहुत आवश्यक है। हमारी जो कोशिका है वो, उसमें पानी का होना बहुत जरूरी है, क्योंकि पानी में ही पदार्थ घुलते हैं और शरीर के एक भाग से दूसरे भाग में पहुंचते हैं, उनका परिवहन होता है। आप पढ़ चुके हो उत्सर्जन तंत्र है, और जाइलम, फ्लोयम, सब में जल की आवश्यकता होती है। और स्थलीय लोगों को भी शुद्ध जल की आवश्यकता होगी। यदि जल में नमक की मात्रा ज़्यादा हो जाएगी तो क्या होगा कि हम जो सूक्ष्म पौधे और जीव हैं वो खारे जल का उपयोग नहीं कर सकते हैं, और हो सकता है वो उनकी मृत्यु भी हो जाती है खारे जल की उपस्थिति से। जैसे एक नदी के, जो अपनी नदी है आसपास, उनकी मछली को आप समुद्र के खारे जल में छोड़ दें तो उनकी मृत्यु हो जाती है। तो हम देखते हैं कि जो जल है वो अलग अलग जगह पर भिन्न रूपों में पाया जाता है, और जल के अलावा हमारा जो तापमान है और मिट्टी है, ये भी जल के समान एक महत्वपूर्ण संपदा है जो जीवन को स्थल पर क्या करती है, निर्धारित करती है। तो अब ये जल प्रदूषण कैसे होता है? तो जल में जो ये जो कारखाने से निकलने वाले जो कारखाने से जो अपशिष्ट पदार्थ निकलते हैं, वो सारे कहाँ मिल जाते हैं? जल में मिल जाते हैं। खेतों में हम कीटनाशक दवाइयाँ और उर्वरकों को छिड़काव करते हैं, वो भी वर्षा के पानी में बहकर कहाँ, जल में चले जाते हैं।
और हमारा जहाँ जल इकट्ठा हो जाता है तो वहां पर जल धीरे धीरे क्या हो जाता है, प्रदूषित हो जाता है। तो इस प्रकार हम देखते हैं कि गहरे जलाशय के अंदर का जल सूर्य के द्वारा गर्म ऊपर की सतह के जल की तुलना में क्या होगा, शीतल। तो इस प्रकार हम देखते हैं कि जो जल है वो एक बहुत महत्वपूर्ण है, लेकिन ये मानव क्रियाकलापों से क्या हो रहा है, ये संतुलन बिगड़ रहा है, इसमें प्रदूषण हो जाता है। तो हम देखते हैं कि जल प्रदूषण का कारण और उसको हम कैसे दूर कर सकते हैं। तो जो पीड़कनाशी उर्वरक हैं जो खेतों में उपयोग होते हैं, उद्योग धंधे, कागज में, ये विषैले पदार्थ, पारा, ये बीमारी फैलाने वाले होते हैं और ये जल में मिलकर प्रदूषण उत्पन्न करते हैं। इच्छित पदार्थों को कभी कभी बड़े बड़े जलाशय में जो अच्छी चीजें हैं, जो पेड़ पौधे हैं, जो वहाँ के वातावरण को शुद्ध करते हैं, वो हटा दें तो भी हमारा जल क्या हो जाता है, प्रदूषित हो जाता है। ऑक्सीजन की मात्रा वहाँ कम होती है और जलीय जीवों को ऑक्सीजन नहीं मिल पाती है। और यदि जल मालूम है आपको, तापमान को संतुलित करता है। तो जो जिस तालाब में, मान लो जिस भी जलाशय में जीव रहते हैं, उनके लिए एक विशिष्ट तापमान होना चाहिए। और यदि मान लो जल का तापमान बदल जाए तो वो जीवों के लिए क्या होगा, खतरनाक होगा। वो अपने जीवों की संख्या नहीं बढ़ा पाते हैं और उनके जो अंडे और लार्वा हैं उनमें तापमान परिवर्तन से क्या होता है, वे संवेदनशील होते हैं और उनका असंतुलन हो जाता है। तो इस प्रकार हम देखते हैं कि जल प्रदूषण के विभिन्न कारण क्या हो सकते हैं। धन्यवाद।